जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं एसएससी जीडी के अपने दोस्तों के लिए, अपने वीरों के लिए, अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स के वो 20 सवाल जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हर मॉडल पेपर में ये बोलता हूं बहुत इम्पॉर्टेंट है, मत आप समझो कि वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, एक संख्या को दोगुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है। एक संख्या को, एक संख्या x है, एक संख्या को दोगुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके, जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके परिणाम में से 4 घटाने पर प्राप्त होता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ ये बोला कि इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20 टू द रिजल्ट गिव्स द सेम आंसर एज मल्टीप्लाइंग द नंबर बाई 8 एंड टेकिंग अवे 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट द नंबर इज। तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, 6x हो जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब दोस्तों वो प्यारी सी संख्या 4 है। वो प्यारी सी संख्या कौन सी है? 4 है। आपके इस सवाल का सही उत्तर 4 है। ओके, आइए देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल पर वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि ये 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर। अब मैं आपसे कह दूँ कि 10-10 मीटर के अंतराल पर पौधा लगाओ, तो जब आप पहला पौधा लगाओगे, जब आप पहला पेड़ लगाओगे तो जरा सी भी दूरी खर्च नहीं हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि आगे अभी आप पूरे के पूरे 10 पेड़ लगाओगे। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या जानना है, इसके लिए सिर्फ आपको जानना है कि लंबाई बटे बीच की दूरी प्लस 1 क्या होता है। लंबाई, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, लंबाई बटे बीच की दूरी, सड़क की लंबाई बटे बीच की दूरी, और इसी टोटल में 1 जोड़ेंगे। ये 1 कौन सा पेड़ है? ये 1 वो पेड़ है दोस्तों जो किनारे पर लगा दिया गया था। ओके, तो आइए देखिए, तो कितना सड़क की लंबाई है। तो आपने कहा सर सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। पेड़ों के बीच में कितने का गैप है? 20 का, और प्लस कितना है? 1 है। 0-0 कैंसिल, 50 यहाँ आ गया, मतलब कि एक साइड दोस्तों 51 पेड़ लगेंगे। लेकिन सड़क के दोनों साइड तो 2×51 हो जाएगा, 2×51 का मतलब 102 पेड़ टोटल लगाए जाएंगे, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल भी आपके एग्ज़ाम का पूछा गया सवाल है दोस्तों, एज इट इज़ पूछा गया है, कोई चेंज नहीं है, आगे भी पूछा जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1/1×4 प्लस 1/4×7 ऐसी कोई भी सीरीज होगी, इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है 1/d ब्रैकेट में 1/f माइनस 1/l। एफ बोले तो फर्स्ट टर्म, एफ बोले तो कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म। एल बोले तो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और डी बोले तो डिफरेंस, डी बोले तो डिफरेंस। तो जरा बताओ तो यहाँ कितने का डिफरेंस है? आपने कहा 3 का, हमने कहा रख दो 1/3। 1/f मतलब 1 माइनस 1/l मतलब 16। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 16 का 16 में से 1 गया 15, 15/16×1/3 चल रहा है दोस्तों, अर्थात कि आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5/16। कितना आ जाएगा? 5/16 आ जाएगा, आपका सही उत्तर आ जाएगा 5/16। बात क्लियर हो गई? ऐसी कोई भी सीरीज होगी, 1/d बोले तो डिफरेंस, 1/f माइनस 1/l करते ही सीरीज आंसर देगी और चली जाएगी। मतलब आपको जरा सा भी ये क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। ये सवाल देखिए दोस्तों, a स्क्वायर, अगर आपने इसको a माना
अगर आपने इसको क्या माना, अगर आपने इसको ए माना, इसको ये आपका क्या है बी माना, तो देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस ए बी है, प्लस का ए बी है और नीचे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं लगातार ये बात बताता चल रहा हूँ कि जब भी आपके सवाल का नेचर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होगा, ज़रूर देखिएगा इसी चैनल पर सरसमिकाओं का जादू मैंने पढ़ाया है, मैजिक ऑफ द आइडेंटिटीज, सरसमिकाओं का जादू नाम से एक वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों, उनमें ये सारे डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। ऐसे प्रश्न का उत्तर हमेशा क्या होगा, वन अपॉन ए माइनस बी होगा, वन अपॉन ए माइनस बी करने पर आपका करेक्ट आंसर एक बटे चार आएगा, जो आपके सी ऑप्शन में रखा हुआ है। ओके, तो दोस्तों आपको एक बात और मैं बताता चलूं, जैसे हम लोग पर डे लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं, आपके आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी वाले चैनल पर लाइव क्लासेस, मतलब मैथमेटिक्स अरिथमेटिक जो पोर्शन है, मैथमेटिक्स रीजनिंग जीएस हिंदी इंग्लिश, साथ ही साथ मॉडल पेपर और साथ ही साथ समथिंग न्यू कुछ स्ट्रैंड्स भी लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप जुड़े रहें तो आपको फिर और कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग सब कुछ आपको देने वाले। ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्या दिया है 3A, क्या दिया भैया 3A प्लस 4B, 3A प्लस 4B, 3A प्लस 4B अपॉन 3C प्लस 4D बराबर 3A माइनस 4B बटे 3C माइनस 4D। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके इसी चैनल पर एक वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसको देखें। अब ज़रा इसको सिस्टम से कर लेते हैं, 3A प्लस 4B अपॉन 3A माइनस 4B और बराबर कर देते हैं इसको ऊपर 3C प्लस 4D अपॉन 3C माइनस 4D, सही है। जैसे इसमें हम युगांतरानुपात का नियम लगाएंगे, युगांतरानुपात का नियम लगाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो हो जाएगा 3A प्लस 4B प्लस लगा दीजिए 3A माइनस 4B बड़ा अपॉन 3A प्लस 4B माइनस 3A प्लस 4B और बराबर हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो 3C प्लस 4D। थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है तो मैं इसको उठा के इधर ला रहा हूँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा कंसाइज कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, जिससे आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ देखिए क्या किया मैंने, 3A प्लस 4B अपॉन इसको नीचे लिया 3A माइनस 4B, ये बराबर हो गया 3C प्लस 4D अपॉन 3C माइनस 4D। अब मैं लगा रहा हूँ युगांतरानुपात का नियम, तो क्या हो जाएगा, ये तीन कुछ नहीं है, 3A प्लस 4B अपॉन प्लस कर लो प्लस 3A माइनस 4B अपॉन 3A प्लस 4B माइनस 3A माइनस का प्लस 4B, वही वाली बात यहाँ 3C प्लस 4D प्लस 3C माइनस 4D बटे 3C प्लस 4D माइनस 3C प्लस 4D हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या कट गया, तो ऊपर 4B कट गया तो 6A आ गया, नीचे क्या हो गया आपका 8B आ गया, क्या आ गया 8B आ गया 8B, यही बराबर यहाँ देखो कट गया कितना आ गया 6C आ गया और नीचे क्या आ गया 8D आ गया दोस्तों। तो यहाँ 6 से 6, 8 से 8 कट गया, आपको पता चल गया AD बराबर BC, AD बराबर BC जो आपके B ऑप्शन में है,
AD बराबर BC। ये सवाल CPSI में भी आ चुका है। बढ़िया सवाल है ये, क्या कर दिया सर आपने। तो दोस्तों अगर कहीं पर A बटे B बराबर C बटे D होगा तो आप लगा करते हैं इसमें A प्लस B अपॉन A माइनस B बराबर C प्लस D बटे C माइनस D। ओके, ये आपका युगांतरानुपात का नियम है। आपके इसी चैनल पर हमने अनुपात समानुपात में प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोपोर्शन में भी इस क्वेश्चन को कराया है, साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट समझाया है। और एक वीडियो जो मैंने आपसे कहा आप उसको देख सकते हैं, वो आपके लिए है बीजगणितीय सरसमीकरणों का जादू, वहाँ पर आपके लिए ये और ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा। दो संख्याओं का LCF 8 है, इनमें से कौन एक संख्या उनका LCM नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, संख्याओं का LCM उनके SCF से अवश्य ही पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब LCM इज ऑलवेज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई SCF। मतलब LCM वो संख्या जरूर होगी जो SCF से डिवाइड होगी। 8 से कटने वाली संख्या 24 ये हो सकता है, 48 हो सकता है, 56 हो सकता है, ये 60 एक ऐसी संख्या है, वो उन संख्याओं का LCM कभी नहीं हो सकता जिनका SCF 8 है। बात क्लियर हो गई। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। क्या कह रहा है, 60% कहाँ पर पास हुए, अंग्रेजी में पास हैं, अंग्रेजी में क्या है, पास हैं। 70% मैथ में क्या है, आपने कहा पास हैं। हमने कहा 20% आपने कहा फेल हैं, क्या है, फेल हैं, सही ना, 20% फेल है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 7 6 13 13 2 15 जोड़ लीजिए, आपका करेक्ट आंसर 50% आया। कितना आया, 50%। अब कह रहा है अगर दोनों विषय में, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, हिंदी में सवाल पूरा नहीं है। इफ 2500 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, आप कह रहे 50% बोथ द सब्जेक्ट। जब भी देखिए, ये वेन डायग्राम का सवाल है, जब भी कभी वेन डायग्राम का सवाल आए तो आपको चॉइस जाननी है। जब तीनों चॉइस एक जैसी होगी, यस यस यस, तो दो यस जुड़ेगा, तीसरा घटेगा, 100 से जितना कम आएगा प्रतिशत में वही उत्तर होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यस यस नो, जब दो चॉइस एक जैसी और दूसरी तीसरी अलग हो, चाहे फेल फेल पास हो चाहे पास पास फेल हो, दो चॉइस एक जैसी तीसरी अलग हो तो तीनों जुड़ जाएंगी, 100 से जितना ज़्यादा आएगा प्रतिशत में वही उत्तर आएगा। तो ये वही वाली चॉइस है, पास है, पास है, फेल है। तो 50% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। ये कह रहा 2500 पास हैं, हमने कहा अच्छा, तो अगर 50% बराबर 2500 है दोस्तों, तो फिर 100% बराबर कितना होगा, तो आपने कहा सर 100% बराबर 5000 होगा। कितना होगा, 5000 हो जाएगा, 100% बराबर 5000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों यक्स तथा वाई के मानों को 20% कम कर दिया जाता है। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों यक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना परसेंट कम हो जाएगा। इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स यक्स एंड वाई आर डिक्रीज। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे यक्स भी 10 है और वाई भी 10 है। अब आपसे मैंने कहा बेटा एक्स वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा सर 10 × 10 का स्क्वायर मतलब 1000 होगा। कितना होगा, 1000, कितना होगा, 1000 होगा, सही है ना। किसी भी 10 को अगर मैं 10 20% से घटाऊंगा तो 8 हो जाएगा, 10 को 20% से घटाऊंगा तो 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी 10 को 10% से बढ़ाने पर 1 बढ़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये कलर आपको दिख नहीं पाएगा। किसी भी 10 को 10% से बढ़ाने पर 1 बढ़ेगा और 10% से घटाने पर 1 घटेगा। किसी भी 10 को 20% से बढ़ाने पर 2 बढ़ेगा और 20% से घटाने पर 2 घटेगा। मतलब जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में घटेगा। तो हमने कहा कि एक्स वाई स्क्वायर में एक्स भी 10 है और वाई भी 10 है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक्स वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10 × 10 का स्क्वायर मतलब 1000 होगा। कितना होगा? 1000। हमने कहा, कह रहा है कि दोनों को 20% से घटा दो। आपने कहा सर, अभी आपने कहा कि 10 को 20% से घटाएंगे, 2 घटेगा, मतलब अब क्या हो जाएगा? तो यक्स डैश 8 हो जाएगा और वाई डैश भी 8 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं यक्स डैश वाई डैश स्क्वायर, तो आप कहेंगे 8 × ये डैश है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका डैश है, डैश, तो मतलब इसको आप 12 मत समझ लीजिएगा, यक्स डैश वाई डैश है। 8 × 8 का स्क्वायर मतलब 512। पहले मान कितना था? आपने कहा सर 1000 था। हमने कहा अब कितना हो गया? आपने कहा 512 हो गया। हमने कहा कितना घट गया? आपने कहा 488। जब भी कहीं, जहां भी कहीं हमारा बेस 1000 होगा, तो डिफरेंस में एक अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा। क्या? जब भी कहीं, जहां भी कहीं, जिस भी किसी प्रश्न में बेस 1000 होगा, उसमें हमेशा डिफरेंस पर एक अंक, डिफरेंस में, अंतर में एक अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा, आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 दर्जन का मतलब ये हो गया, 20 दर्जन का मतलब ये हो गया दोस्तों, प्रति अंडे 20 दर्जन का मतलब 240 अंडा हो गया। 240 अंडा उसने खरीदा 720 रुपये में। कितने रुपए में? 720। तो एक अंडा खरीदेगा 24 × 72 3 रुपये में। कितने रुपए में? 3 रुपये में। 3 रुपये में खरीदा एक अंडा और चाहता है 20% का लाभ, तो कितने में बेचेगा? तो आपने कहा ज़्यादा में बेचेगा। ज़्यादा का मतलब नीचे कम, 120/100। 120/100 का मतलब 12 × 36 3 रुपया 60 पैसे में एक अंडा अगर वो व्यापारी बेच देगा, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया था। ओके, आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, 6 किलो का बिक्री मूल्य 8 किलो की लागत मूल्य के बराबर है। ऐसे प्रश्नों में हमेशा खरीदी गई वस्तु से बेची गई वस्तु को घटाते हैं और नीचे बेची गई वस्तु रखते हैं। तो खरीदी गई वस्तु कितनी है? 8। तो 8 − 6/6 आउट ऑफ 100। तो 8 में से 6 गया 2, 2/6 × 100 हो जाएगा 2 × 6 100/3 का मतलब, 100/3 का मतलब 33.3% हो जाएगा दोस्तों, 33.3%। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर एक मुफ्त है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर यक्स वस्तु खरीदने पर वाई मुफ्त है, अगर यक्स वस्तु खरीदने पर वाई वस्तु मुफ्त है, मतलब सवाल क्या है? बाई फोर गेट वन मोर, यही तो सवाल है, बाई फोर गेट वन मोर। तो जब भी कभी यक्स वस्तु खरीदने पर वाई वस्तु फ्री हो, तो जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो होगा y/x + y out of 100%। तो यहां पर कितना है? 4 खरीदने पर एक मुफ्त है, तो आप कहेंगे 1/5 × 100, मतलब कितना परसेंट की छूट हो गई? तो आप बताएंगे 20% की छूट हो गई दोस्तों, 20% की। बात क्लियर हुई? जरा समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। हमने मान लिया कि एक वस्तु का जो MP है वो 1 रुपया है, तो इसका मतलब 4 वस्तु का MP कितना होगा? MP मतलब मार्केट प्राइस, 4 रुपया। आपको सामान कितने का मिला? 5 सामान मिला, तो 5 रुपये का मिला, आपने 4 ही रुपया पे किया था, तो 1 की छूट 5 पे मिली दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है sin 31 = x/y। sin 31, ध्यान दीजिएगा, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन 31 मतलब अगर ये यक्स है तो ये वाई होगा, और ये हमने 31 मान लिया,
अगर ये 31 है दोस्तों तो ये 59 होगा। कितना होगा? 59 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 90 होना चाहिए। अब देखिए ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये होगा सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर्णी में। ओके, अब क्या करें, सेक 31, सेक 31, सेक 31 माइनस साइन 59। तो जब मैं सेक 31 निकालूंगा तो यहाँ सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो यह आ जाएगा वाई बटे अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस साइन 59 मतलब ये वाले कोण पर, तो जब मैं यहाँ आऊँगा तो लंब ये हो जाएगा, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा वाई, बटे कितना हो जाएगा वाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कड़ी हट जाएगी प्लस का एक्स स्क्वायर बटे वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कोई विकल्प है कि नहीं है? आपने कहा सर पहला ही विकल्प ऐसा है, तो इस सुंदर से सवाल का ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये सवाल आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 6 हैं, त्रिभुज कैसा है? तो ध्यान दें मित्रों, अगर किसी त्रिभुज की साइड दी गई हो और त्रिभुज का नेचर एंगल के हिसाब से पूछे, तो आपको कोसाइन रूल पता होना चाहिए। बस इतना पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा पर बना हुआ वर्ग 36 दोनों छोटी भुजाओं पर बने हुए वर्गों 3 और 4 चौक 16 से बड़ा है। तो बड़ी भुजा पर बना हुआ वर्ग इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड स्मॉल साइड्स, तो आपका जो ट्राइंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। अगर ये छोटा होता तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता, अगर ये बराबर होता तो राइट एंगल ट्राइंगल होता। मतलब किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों छोटी भुजा पर बने वर्गों के योग से छोटा होगा तो हमारा त्रिभुज न्यून कोण होगा। अगर बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा तो हमारा त्रिभुज समकोण होगा। और अगर बड़ी भुजा पर बना वर्ग दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग से बड़ा होगा तो हमारा त्रिभुज अधिक कोण होगा। तो बड़ी भुजा कितना है 6, 6 का वर्ग कितना है 36, इन दोनों का 25 ज़्यादा है मतलब कोण होगा, त्रिभुज होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या है, दो समांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो समांतर जीवाएं हैं, दोनों कितना सेंटीमीटर की हैं, 8 सेंटीमीटर की। अब मान लो ये सेंटर है इसका, तो अगर मैं यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, ये सेंटर है, तो ये हो गया आपका ये आर है। ये कितना है दोस्तों, ये क्या है आपका आर है, ये आपका आर है। मान लो ये ओ है, वो ये ए है, ये बी है, ये पी है और ये क्यू है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ ओ पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपने कहा सर ओ पी स्क्वायर बराबर होगा ए पी का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? ये आपका OP का स्क्वायर मतलब एक कर्ण हो गया, AP का स्क्वायर अपन AO का स्क्वायर। अब ये देखिए ये पूरा 8 है तो कितना आपका 4 है, और ये कितना दे रखा है, ये 5 दे रखा है। तो अगर मैं इसको रख दूँ 5 का 25 बराबर AP 4 का मतलब 16 और प्लस AO हमको नहीं पता है, AO का स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा 25 माइनस 16 ये बराबर हो जाएगा AO का स्क्वायर। यहाँ से AO आ जाएगा आपका कितना, 25 में 16 गया 9 का मतलब 3, यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया अगर, तो फिर पूरा कितना हो जाएगा 3 और 3 6 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन था सर्किल का 6 सेंटीमीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
एक खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। कोई खिलाड़ी है जिसके 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा, मतलब 11वीं पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। औसत में 6 रन की वृद्धि मतलब हर पारी में 6 रन की वृद्धि, हर पारी का मतलब 11 × 6 = 66 रन उसको औसत से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो 32 में 66 जोड़ दीजिएगा। इस बार अगर वो 98 रन बना दे दोस्तों तो उसका एवरेज 6 रन बढ़ जाएगा। उसका एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 6 रन। कह रहा है A:B कितना है? आपने कहा सर 7:9 है। हमने कहा B:C कितना है? आपने कहा सर 5:7 है। A:C पूछा है, क्या करेंगे? A/B × B/C कर देंगे, मतलब 7/9 × 5/7 कर देंगे। आपका उत्तर 5/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/9। ये रेशियो का क्वेश्चन था। 8x और 50 क्रमागत समानुपात में है, मतलब 8 का यक्ष से जो अनुपात है, नहीं क्रमागत कंटिन्यू प्रपोर्शन में है। किसमें है? कंटिन्यू प्रपोर्शन में है। तो अगर ये कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है कि 8 का यक्ष से जैसा संबंध होगा, यक्ष का 50 से वैसा ही संबंध होगा, मतलब ये 4×5=40, 400 = x² होगा, तो यक्ष का मान 20 होगा। यक्स का मान क्या होगा? 20। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, वितत अनुपात, परफेक्ट रेस, परफेक्ट प्रपोर्शन, सारी बातों का मतलब एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपया तथा 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाएगी? डिफरेंस कितना है? 2 साल। यहाँ डिफरेंस कितना है? 48 रुपया। इसका मतलब 2 साल का अगर ब्याज 48 है तो 1 साल का 24 होगा। यहाँ 5 साल का मिसधन है तो 5 साल का कितना? 5×24 का मतलब 120 रुपया। 520 से 120 घटाएंगे कितना आएगा? 400 रुपया। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए टाइम का डिफरेंस बटे धन का डिफरेंस वही ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज निकाल के मूलधन तक पहुंचे। कई बार आपसे ब्याज की दर भी पूछता है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है 4 वर्षों में, 8 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3×4=12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। × 2 को कुछ यूं व्यक्त करें कि ये × 1 के पावर में आ जाए। देखिए 8 को कुछ यूं व्यक्त करें कि 2 की पावर में आए, तो आपने कहा सर 8/2 की पावर 3। अब पावर का ले जाके टाइम में गुणा, 4×3=12। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका SCF 4 है। इस प्रकार के संभावित SCF 4 है, संख्या 4x और 4y होंगी। संख्या क्या होगी? 4x और 4y। अब आपसे कह रहा है कि 4x + 4y = 36 है, तो यहाँ से x + y = 9 होगा। x + y 9 कब होगा? जब x 1 हो y 8 हो, x 2 हो y 7 हो, x 3 हो y 6 हो, x 4 हो y 5 हो। लेकिन हम केवल उन्हीं पेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो को प्राइम होंगे। तो ये पेयर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, मतलब संभावित पेयर 3 हैं। तो आज ये 20 सवाल दोस्तों एकदम से वही सवाल थे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आज का पेपर आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम लोग 100% एफर्ट डाल रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को आगे भी बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।